हाय गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सभी लोग बेटर होंगे। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि टी का जो प्रोनाउंस उच्चारण होता है कब द निकाला जाता है और कब थ। गाइस देखिए, टी वर्ड से शुरू होने वाले बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ध्वनि कभी कभी स की निकलती है तो कभी कभी द की, और गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि टी की जो ध्वनि है थ की निकलती है। सो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि यार कहाँ पे द का निकल उच्चारण, कहाँ पे थ का। अगर आपको भी कंफ्यूजन है सो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको रूल्स और एग्जाम्पल का सब बताऊंगा कि अगर आपको भी कंफ्यूजन है टी को लेकर सो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकें। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्ट टाइम आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उच्चारण का हमारा पहला रूल कहता है कि अगर टी शब्द के बाद आई ए, आई ई या आई ओ आदि इस तरह का वर्ड आता है तो वहां पर टी का जो उच्चारण होगा बड़े स का निकलेगा। जैसे मैं एक वर्ड पुट करता हूं कि इनिशियल। दोस्तों, इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक। यहां पे आप देख सकते हैं टी के बाद क्या है, आई ए। ओके, आपका रूल है उसमें देखिए आई ए है क्या, है बिल्कुल है। तो वहां पे जो इसका प्रोनाउंस होगा इनिशियल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टी के बाद आई ए या आई ई या आई ओ आई इसमें से तो वहां पर जो इसकी ध्वनि होगी बड़े स के निकलेगी। ओके, आइए गाइस नेक्स्ट मैं वर्ड लेता हूं पेशेंट। दोस्तों, पेशेंट में होता है रोगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, आई ई। तो इस रूल में देखिए आई ई है, तो यहां पे जो इसका प्रोनाउंस होगा बड़े स होगा पेशेंट। आइए गाइस मैं एक और वर्ड लेता हूं प्रोमोशन। दोस्तों, प्रोमोशन में होता है वृद्धि। तो यहां पे देखिए टी के बाद आई ओ आ रहा है, तो इस वर्ड में भी है आई, रूल में आप देख सकते हैं आई ओ है, तो उसके बाद टी के बाद अगर आई ओ आ रहा है, आई ई आ रहा है, तो वहां पे जिसका प्रोनाउंस पढ़ाएगा श का पढ़ाएगा। आइए गाइस मैं एक और वर्ड लेता हूं रेशो। दोस्तों, रेशो मीन्स होता है अनुपात। ओके, तो यहां पे देखिए टी के बाद क्या है, आई ओ फिर आ गया। टी के बाद आई ओ आता है या आई ए आता है तो वहां पे इसका जो ध्वनि जो साउंड निकलेगा बड़े स का निकलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं रेशो मीन्स अनुपात। चलिए गाइस दूसरा रूल देख लेते हैं। हमारा दूसरा रूल कहता है कि अगर टी शब्द के बाद टी आई ओ एन आई या टी के बाद यू आर ई आई तो वहां पर जो टी का साउंड होगा च जैसा निकलेगा। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, आई ओ एन। अगर आप इससे पूरा पढ़ेंगे क्यू यू ई एस टी के बाद आपको देखना है सिर्फ अगर आई ओ एन आ रहा है तो कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो यहां पे आप जो साउंड निकालेंगे च का निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन। आइए मैं एक और वर्ड ले लेता हूं कल्चर। दोस्तों, कल्चर में आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, यू आर ई। तो मैंने बताया था रूल में आप देख भी सकते हैं कि अगर टी शब्द के बाद टी आई ओ एन या यू आर ई तो वहां पर टी का जो उच्चारण होगा च का होगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि रूल में क्या है, टी के बाद यू आर ई आ रहा है, तो यहां पे आपका जो प्रोनाउंस होगा कल्चर होगा, च का होगा कल्चर। आइए गाइस मैं एक और ले लेता हूं नेचर। दोस्तों, नेचर में भी आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, यू आर ई। रूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है यू आर ई, अगर टी के बाद यू आर ई आ रहा है तो वहां पे वर्ड का जो प्रोनाउंस उच्चारण होगा च जैसा निकलेगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नेचर। आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिक्चर। दोस्तों, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, यू आर ई, तो वहां पे इसका जो प्रोनाउंस साउंड होगा च का होगा, जैसे पिक्चर। तो गाइस ये रहा दूसरा रूल। आइए अब इसे देखते हैं तीसरे रूल में कैसे यूज करते हैं। गाइस देखिए, अगर टी शब्द के बाद एच आए तो वहां पे कभी कभी थ की ध्वनि होती है या द की। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं ठीक, तो ठीक मीन्स होता है मोटा। ओके, तो यहां पर देखिए कि एच के बाद टी के बाद क्या है, एच। ओके, तो यहां पे एच आया तो यहां पे जो ध्वनि होगी ठीक होगी, थैक होगी, वहां पे आप पढ़ेंगे ठीक। ओके, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है थीन। यहां पे टी के बाद एच आ रहा है तो यहां पे थीन होगी। गाइस कभी कभी द में पढ़ते हैं, जैसे कि दिस, टी के बाद अगर एच आए तो आई एस, तो वहां पे दिस भी होती है, देन। ओके, द की आई ध्वनि आ रही है, दैट भी है, तो कभी कभी थ की निकलती है और कभी कभी द की, आप दोनों में यूज कर सकते हैं। आइए गाइस हमारा नेक्स्ट रूल कहता है,
चलिए गाइस दूसरा रूल देख लेते हैं। हमारा दूसरा रूल कहता है कि अगर टी शब्द के बाद टी आई ओ एन आई या टी के बाद यू आर ई आई तो वहाँ पर जो टी का साउंड होगा चे जैसा निकलेगा। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, आई ओ एन। अगर आप इससे पूरा पढ़ेंगे क्यू यू ई एस टी के बाद आपको देखना है सिर्फ अगर आई ओ एन आ रहा है तो कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो यहाँ पे आप जो साउंड निकालेंगे चे का निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन। आइए मैं एक और वर्ड ले लेता हूँ कल्चर। दोस्तों कल्चर में आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, यू आर ई। तो मैंने बताया था रूल में आप देख भी सकते हैं कि अगर टी शब्द के बाद टी आई ओ एन या यू आर ई आई तो वहाँ पर टी का जो उच्चारण होगा चे का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूल में क्या है, टी के बाद यू आर ई आ रहा है तो यहाँ पे आपका जो प्रोनाउंस होगा कल्चर होगा, चे का होगा कल्चर। आइए गाइस मैं एक और ले लेता हूँ नेचर। दोस्तों नेचर में भी आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, यू आर ई। रूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है यू आर ई, अगर टी के पहले बाद में अगर टी के बाद यू आर ई आ रहा है तो वहाँ पे जो टी का उच्चारण होगा तो जैसे कि नेचर का होगा। अगर टी के बाद यू आर ई आ रहा है तो वहाँ पे वर्ड का जो प्रोनाउंस उच्चारण होगा चे जैसा निकलेगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नेचर, ओके जो आप ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है गाइस पिक्चर। दोस्तों पिक्चर में होता है तस्वीर। यहाँ पे देख सकते हैं कि टी के बाद फिर यू आर ई आ रहा है तो वही चीज़ यहाँ पे बार बार आ रहा है। आपको आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिक्चर। दोस्तों पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, यू आर ई, तो वहाँ पे इसका जो प्रोनाउंस साउंड होगा चे का होगा, जैसे पिक्चर। तो गाइस ये रहा दूसरा रूल। आइए अब इसे देखते हैं तीसरे रूल में कैसे यूज करते हैं। गाइस देखिए अगर टी शब्द के बाद एच आए तो वहाँ पे कभी कभी थ की ध्वनि होती है या द की। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ ठीक, तो ठीक मीन्स होता है मोटा, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि एच के बाद टी के बाद क्या है, एच, ओके। तो यहाँ पे एच आया तो यहाँ पे जो ध्वनि होगी ठीक होगी, थ की होगी, वहाँ पे आप पढ़ेंगे ठीक, ओके। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है थीन। यहाँ पे टी के बाद एज आ रहा है तो यहाँ पे थीन होगी। और यही चीज़ गाइस कभी कभी द में पढ़ते हैं, जैसे कि दिस, टी के बाद अगर एच आए तो आई एस, तो वहाँ पे दिस भी होती है, देन, ओके, द की आई ध्वनि आ रही है, दैट भी है। तो कभी कभी थ की निकलती है और कभी कभी द की, आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। सो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर टी के बाद टी एच का वर्ड आए तो वहाँ पे वर्ड का टे की ध्वनि निकलेगी। जैसे मैं एक वर्ड लूँ टेम्स। दोस्तों ये टेम्स किसी नदी का नाम है, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि टी के बाद एच आ रहा है तो यहाँ पे कभी कभी टे की ध्वनि निकलती है, टेम्स, यू नो टॉम्स, ओके, टी एच ओ एम ए एस, टॉम्स। इस तरह से आप इसमें टे की भी ध्वनि निकलती है। सो गाइस इस तरह से आपका लेसन पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज हम जो भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो लाइक तो बनता ही है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का